तो अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो में आपेक्षिक वैद्युशीलता। पिछले वीडियो में हमने बताया है, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि कुलाम का नियम और उसमें अपसाइलेंट नाट की बीमा और यूनिट के बारे में बताया गया था। देखते हैं आपेक्षिक वैद्युशीलता। तो इसके लिए हम लोग जो कुलाम का नियम है उस पे ज्यादा, कुलाम का नियम था एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर फाइव अपसाइलेंट नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग माध्यम के लिए मानेंगे, तो यहाँ पे के आ जाएगा माध्यम के लिए। जब माध्यम में लेंगे, माध्यम में, तो आ जाएगा एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जब हम माध्यम में मतलब कि जैसे जल हो, शीशा कांच हो सकता है, ठीक है, तो जब माध्यम में लेंगे तो यहाँ के आता है, जिसको कहते हैं हम लोग आपेक्षिक वैद्युशीलता या पैरा वैद्युतांक। अब हम लोग निर्वात में लेते हैं इसी नियम को, निर्वात में एफ बराबर हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे एम माध्यम में है तो इसीलिए एम ले लीजिएगा। तो अब जब हम लोग इसको इक्वेशन वन मान ले, इक्वेशन इसको टू मान लेते हैं, इक्वेशन वन अपॉन टू दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ एम अपॉन एफ। अब जब लिखेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और पूरे के बटे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे से ये पूरा रिमूव हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग का बच जाएगा एफ एम अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन के। ठीक है, अब इसको जब हम लोग पलटेंगे तो दोनों तरफ का राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू के। यही हम लोग का रिलेशन है माध्यम में फोर्स है और निर्वात में जो फोर्स है, ये है हमारा ही आपेक्षिक वैद्युशीलता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं F बराबर क्या हो सकता है, K इंटू एफ एम। कहने का मतलब कि जो निर्वात में फोर्स लगेगा किसी आवेश पर, वो माध्यम में लगने वाले फोर्स तथा परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होगा। अब जो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुलाम का सदिश निरूपण, कि यहाँ कुलाम का जो नियम है वो दिशा बताता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, एफ ये वाई एक्सिस हो गया, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेंगे। यहाँ पे दो आवेश लेते हैं, ये आवेश पे ही आधारित है, क्यू वन आवेश एक ले लेते हैं और एक क्यू टू आवेश ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक सदिश खींचते हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे हो जाएगा, और इसको यहाँ से ऐसे ड्रा कर सकते हैं चाहे इसको इस साइड से ड्रा कर सकते हैं। तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो F12 होगा, क्योंकि 2 से 1 पे लग रहा है, और जब 1 से 2 पे लगेगा तो 2 1 हो जाएगा, F21 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से जो इधर दिशा जो होगी इधर, तो R12 होगा और इसकी दिशा इधर से होगी तो R21 होगा। ठीक, ये एक एकांक सदिश है जो दिशा बता रही है, जब ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो R12 से डिनोट करेंगे कि अब इधर बल लग रहा है, जब Q1 Q2 पे लगाएगा करेंगे, मतलब दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये इस पे फोर्स लगाए या तो ये इस पे फोर्स लगाए। तो जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो उसकी दिशा हम लोग ऐसे डिनोट R21 से। तो हम लोग कुलाम के नियम से चलते हैं, कुलाम के नियमानुसार, कुलाम का नियम है एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर।
तो हम लोग यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना जो फोर्स है Q1 से Q2 पे लग रहा है, माना Q1 से Q2 पर लगा बल F21 है और दिशा R21 है तथा Q2 से Q1 पर लगा बल F12 तथा दिशा R12 है, ठीक है। तो अब जब हम लोग यहां पे ये देखेंगे तो F की जगह क्या हो जाएगा, जब इसको वो Q1 से Q2 की तरफ लगेगा तो हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा F21 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगा 2 1 वेक्टर। ये एक एकांश सदिश है, ये हमेशा दिशा बताता है और इसका कोई फॉर्मेट नहीं, ये बस दिशा बता रहा है कि Q1 के कारण नहीं Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लग रहा है, केवल ये बता रहा है। अब ये इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड में देखें तो 1 के 2 अब तो इससे इस पे लग गया। अब देखते हैं Q2 के कारण Q1 पे क्या फोर्स लग रहा है, तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 वेक्टर, ठीक है R12 वेक्टर हो जाएगा। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। अब एक चीज देखें तो हम लोग R21 वेक्टर बराबर लिख सकते हैं R12 माइनस लगा के, क्योंकि ये इसके विपरीत तो यही दिशा है, जैसे 10 रुपए है हम लोग के पास और ये -10 रुपए है, ये घाटे में चल रहा है और ये फायदे में चल रहा है, तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 10 इसके आगे माइनस लगा दिए -10 माइनस माइनस प्लस हो गया 10 बराबर 10। तो ये एक दूसरे की दिशा क्या है, विपरीत है, ये इधर की दिशा है और इसकी इधर की दिशा है, तो आगे माइनस लगा देंगे तो सेम बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। तो हम लोग इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन, वन में क्या करें हम लोग, इसकी वैल्यू की जगह ये रख दें वैल्यू, तो हो जाएगा एफ टू वन इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी जगह जो है हम लोग ये रख देंगे तो R12 वेक्टर, अब माइनस है तो ये पूरी वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू है जो राइट साइड की, वो पूरे इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन के राइट साइड वैल्यू से एकदम जस्ट पूरे क्या है, इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग F21 इक्वल टू F12, ठीक। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये पूरी हो गया कूलाम का सदिश निरूपक। कहने का मतलब कि हम जितना इधर बल लगाएंगे उतना ही ये भी हमारे ऊपर बल लगाएगा, माइनस का मतलब ये अपोजिट चार्ज, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है बताता है कि जितना किसी वस्तु पे हम लोग फोर्स लगाएंगे वो भी हमारी तरफ अपोजिट फोर्स लगाता है, जैसे हम किसी को भैया धक्का देंगे तो वो भी तो हमको धक्का देगा ही, ठीक। तो वही कूलाम के नियम में बताया, कोई आवेश जब किसी दूसरे आवेश पे जितना भी फोर्स करेगा वो आवेश भी अपने अपोजिट वाले आवेश को उतना ही फोर्स करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का था कूलाम का सदिश निरूपण।